हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द बेबी के चौथे, पांचवे और छठवें एपिसोड को। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो पिछली वीडियो में मैंने द बेबी नाम के हॉरर वेब सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर पहले वो देख लो, क्योंकि उसके बिना आपको इसकी स्टोरी बिल्कुल भी नहीं समझेगी। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। एंड अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। फिर नताशा बॉबी की पार्टनर सैम को कॉल लगाकर बॉबी के बारे में पूछती है, क्योंकि बॉबी उसके बच्चे को अपने साथ ले गई थी और अब उसे नहीं पता था कि बॉबी कहाँ पर है। सैम कहती है कि उसे भी नहीं मालूम कि बॉबी कहाँ है। जैसे ही कॉल कट होता है, नताशा बॉबी को एक वॉइसमेल भेजती है। तो बॉबी उसे टेक्स्ट पर रिप्लाई करती है कि वो उनके माँ के घर जुपिटर हाउस आई है। तो टेक्स्ट देखते ही नताशा जुपिटर हाउस के लिए निकल जाती है। नताशा ने सोच लिया था कि वो अपनी माँ से भी नहीं मिलेगी और सिर्फ बच्चे को वहाँ से लेकर निकल जाएगी। रास्ते में मिसेस ईव्स के पूछने पर नताशा बताती है कि वो अपनी माँ से आखिरी बार 15 साल पहले मिली थी। फिर नताशा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ बॉबी बच्चे के साथ खेतों में थी और कुकी खाने की वजह से बॉबी का दम घुट रहा था, पर वो फाइनली उल्टी करती है और उसकी जान बच जाती है। नताशा बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और बॉबी को बच्चा ले जाने के लिए बहुत सुनाती है। फिर नताशा वहाँ से जाने लगती है, पर बॉबी भी उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि आखिर बात क्या है, उसे भी जानना है। तो नताशा उधर रुककर उसे सारे कांड के बारे में बताती है कि कैसे उसे ये बच्चा चट्टान से गिरते हुए मिला और वो बच्चा उसके लिए कितना खतरनाक है। वो बॉबी को चेतावनी देती है कि तुमने बच्चे को लेने की कोशिश की तो वो तुम्हें भी जान से मार देगा। जिसके बाद नताशा वापस अपनी कार में तो आ जाती है, लेकिन उसकी कार का इंजन खराब हो जाता है, जिस पर मिसेस ईव्स कहती है कि ये सब इस बच्चे की वजह से हो रहा है। तो नताशा कार से बाहर निकलती है और देखती है कि उसके आगे उसकी माँ बारबरा खड़ी थी। उसकी माँ कहती है कि वो अगर वो चाहे तो यहाँ रुक सकती है जब तक उसकी कार ठीक हो जाए, और ये भी कहती है कि वो उसके कामों के बीच नहीं आएगी और पूरी कोशिश करेगी कि वो उससे बात भी न करे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ठीक उनके जाने बाद मिसेस ईव्स नताशा को पूछती है कि आसपास कोई नदी है। नताशा कहती है हाँ है। तो मिसेस ईव्स कहती है कि वो बच्चे को नदी में फेंक देंगे ताकि वो मर जाए। नताशा को बहुत अजीब लगता है क्योंकि मिसेस ईव्स बिना हाथ धोए उस बच्चे के पीछे पड़ी थी। नताशा उससे सीधा पूछती है कि वो आखिर बच्चे को मारना क्यों चाहती है, क्या रिश्ता है उसका इस बच्चे के साथ। मिसेस ईव्स कहती है कि वो बस नताशा को मरने से बचाना चाहती है। ये सब नताशा को बकवास लगता है और वो उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चले जाती है। पीछे मिसेस ईव्स चिल्लाती है कि अगर तुमने इसे नहीं मारा तो अगले दिन तक तुम मर जाओगी पागल औरत। फिर अगले सीन में हम नताशा को उसकी माँ के घर में देखते हैं जहाँ वो बच्चा रो रहा था। वो उसे खिलाने जाती है, तभी बारबरा आकर कहती है कि बच्चे को खाना नहीं बल्कि सोना है। तभी उधर बच्चा पार्टी का ग्रुप आता है जिसमें एक साली नाम की लड़की, सैली नाम की एक लड़की भी थी। नताशा उनके साथ कुछ गेम्स खेलती है और कुछ देर खेलने बाद सब अपने घर चले जाते हैं। फिर जब नताशा अपने सौतेले बच्चे को खिला रही होती है, तभी पीछे से सैली आकर उससे एक सिगरेट मांगती है और बदले में उसे बारबरा की वर्कशॉप ले जाने का वादा करती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सैली सस्ते नशे का शिकार थी, बट नताशा उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सैली नताशा को वर्कशॉप ले जाती है जहां अंदर बहुत सारे स्कल्पचर पीसेस रखे हुए थे। वहीं नशेड़ी सैली फिर से नताशा से सिगरेट मांगती है और इस बार नताशा उसे सिगरेट दे देती है, जिसके बाद सुट्टेबाज सैली वहां से चले जाती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि मिसेस ईव्स बॉबी के कमरे में जाती है और वो बॉबी को बताती है कि नताशा चाहती है कि वो उसके बच्चे को सुलाए। ये सुनकर बॉबी कहती है कि अगर नताशा को मदद चाहिए तो वो खुद मुझे बताएगी। ये बोलकर बॉबी बाहर चले जाती है। फिर सीन वर्कशॉप पर शिफ्ट होती है जहाँ बारबरा आती है और वो नताशा को वहाँ देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है। और थोड़ा बात करने बाद नताशा वहाँ से वापस रूम में आ जाती है। फिर बच्चा रोना शुरू करता है और इतना ज़्यादा रोता है कि नताशा उस पर चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर बारबरा अंदर आती है और नताशा को अपना संतरे की गोली खाकर थोड़ा आराम करने के लिए कहती है। रात को जब नताशा सो रही होती है, तब बॉबी रूम में आकर बच्चे को देखती है जो अब तक जाग रहा था। वो बच्चे को ऐसे तैसे अच्छे से सुला देती है और वहाँ से चले जाती है। कुछ देर बाद मिसिस ईव्स वहां छुपके से आकर एक तकिए से बच्चे को मारने की कोशिश करती है, पर तभी हम देखते हैं कि बच्चे के बजाय नताशा का दम घुटने लगता है। तभी नताशा की आंख खुलती है और वो मिसिस ईव्स को देखकर गुस्से में बैर से धक्का दे देती है। नताशा को लगता है कि वो उसके सौतेले बच्चे के साथ उसे भी जान से मारना चाहती है, इसलिए वो मिसिस ईव्स पर बहुत चिल्लाती है। मिसिस ईव्स कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसे कोई नुकसान हो, जिस पर नताशा उसे झूठी औरत बोलकर और कम ज्यादा सुनाती है। तभी मिसिस ईव्स हेलन का नाम लेती है। नताशा को समझ नहीं आता तो इसलिए वो अब ये हेलन कौन है बोलकर बाहर चले जाती है। उसके जाने बाद मिसेस ईव्स बच्चे को लेकर बाहर आती है और उन सब के नाम लेती है जिसके पास ये बच्चा पहले था। मिसेस ईव्स बच्चे को नताशा के सामने ले जाती है और कहती है कि ये तुम्हें कुछ बताना चाहता है।
फिर नताशा को एक विजन दिखता है जिसमें उसे वो सब मरी हुई औरतें दिखती हैं जिनके पास ये बच्चा पहले था। साथ में वो मिसेस ईव्स को भी देखती है जो अपने कैमरा से उन औरतों की पिक्चर ले रही थी। विजन में आगे हम यंग मिसेस ईव्स को देखते हैं जो सी साइड में हेलन हेलन चिल्ला रही थी, और तभी हमें पता चलता है कि हेलन ही थी उस बच्चे की असली माँ जिसकी शादी जबरदस्ती जैक नाम के बंदे के साथ हुई थी। जबकि हेलन हमेशा नूर के साथ रहना चाहती थी क्योंकि हेलन नूर से सच्चा प्यार करती थी। नूर असल में मिसेस ईव्स ही थी पर तब उसका नाम नूर था। यहाँ जैक के घर जब रात को सब लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तब जैक का बाप उन्हें बताता है कि उसे बॉयल कैंसर है और उसके पास सिर्फ एक साल का ही वक्त बचा है। तभी फोन की घंटी बजती है और हेलन जाकर फोन उठाती है और उसे उसके लवर नूर ने कॉल किया था। नूर उसे बताती है कि वो आधी रात को इसे लेने आएगी ताकि वो साथ में भाग सके। रात होती है और हम जैक और हेलन को उनके बेड पर देखते हैं। जैक कहता है कि उन्हें एक बच्चा पैदा करना चाहिए ताकि वो अपने पापा को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन खुशी दे सके। हेलन इससे सहमत नहीं होती लेकिन जैक उसके साथ जबरदस्ती करता है। कुछ देर बाद जैक सो जाता है और प्लान के हिसाब से हेलन आधी रात को घर से निकल जाती है जहां बाहर नूर उसका वेट कर रही थी। सुबह होने तक हेलन नूर को उसी कॉटेज में ले जाती है जहां नताशा मिसेस ईव्स से पहली बार मिली थी। हेलन नूर को बताती है कि एक कॉटेज उसके आंटी ने उसे दिया था और इसके बारे में जैक को नहीं पता। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर पार्टी हो रही है तभी उधर पुलिस आती है जिसको जैक ने भेजा था, लेकिन अंदर जितने भी लोग थे वो इन दोनों की मदद करते हैं और कैसे भी पुलिस को अंदर आने से रोक लेते हैं। इसके बाद हम हेलन को देखते हैं जो नूर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर नूर कहती है कि वो कुछ दिन के लिए लिवरपूल के पास रहेंगे। अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होती है जहां हेलन अपना चेकअप करवाने आई थी, पर जैक के कुछ आदमी उसे वहां से किडनैप करके जबरदस्ती जैक के घर ले जाते हैं और जब तक वो बच्चे को जन्म न दे उसे तब तक उनके वहां ही जबरदस्ती से रखते हैं। फिर वो मनुष्य दिन आ ही जाता है जब वो एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वो अपने बच्चे को देखकर जरा से भी खुश नहीं होती क्योंकि वो उस पर गुजरे हुए हालातों से पूरी तरह सदमे में जा चुकी थी और उसे अपने ही बच्चे से नफरत हो गई थी। तो वो अपने बच्चे को अपनाने और अपना दूध पिलाने से भी इनकार कर देती है। कुछ दिनों बाद जैक के डैड की मौत हो जाती है और जब जैक अपने कामों में बिजी था हेलन अपनी केयरटेकर को भी जान से मार देती है। वो घर से भागने वाली होती है कि उसे जैक सीढ़ियों पर ही मिलता है और ये मौका न गंवाते हुए वो जैक को सीधा सीढ़ियों से धक्का दे देती है जिससे वो भी वहीं मर जाता है। हेलन फिर कॉटेज जाती है और वहाँ नूर से मिलती है। वो कहती है कि वो बच्चा उसका नहीं है, तो नूर बोलती है कि वो जैक को जान से मारते। तो हेलन बताती है कि उसने ये शुभ काम पहले ही कर दिया है। फिर उसी रात को जब हेलन नींद से जागती है वो अपने बच्चे को कॉटेज के फ्लोर पर बैठा देखती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि बच्चा आखिर इधर आया कैसे और वो सीधा बाहर नदी में कूद कर सुसाइड कर लेती है। फिर नूर की आँख खुलती है और बच्चे को देखकर वो कॉटेज के बाहर आकर हेलन का नाम जोर से पुकारती है, पर हेलन कहीं भी न दिखने पर वो कॉटेज के अंदर आती है जहाँ से वो बच्चा अब गायब था। फिर सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ नताशा का विजन खत्म होता है और वो होश में आती है और देखती है कि उसकी माँ उस बच्चे को लेकर खड़ी है। मिसेस ईव्स कहती है कि उन्हें अब यहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए वो बार बार से बच्चे को देने के लिए कहती है लेकिन वो बच्चे को नहीं देती। तभी उधर के सारे बच्चे बारबरा के हाथ से उस बच्चे को लेकर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि उस छोटे बच्चे ने सबको अपने काबू में कर लिया था। फिर नताशा, बॉबी और मिसेस ईव सब जगह उन बच्चों को ढूंढते हैं और लास्ट में उन्हें एक बहुत पुराना खाली कमरा मिलता है जहां सारे बच्चे बैठकर एक ही ड्राइंग बना रहे थे, सेम वैसे ही जैसे हेलन ने अपनी जान ली थी, और वो शैतान बच्चा अब सैली के हाथ में था। नताशा सैली को बच्चा देने के लिए कहती है तो सैली कहती है कि बच्चे को अपनी माँ चाहिए। तभी सारे पोजेस्ड बच्चे नुकीली चीज़ों से अपने आप को ही मारने लगते हैं एंड इसी बीच सैली बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है। बाहर हम देखते हैं कि लेक के पास उस टाउन के सभी बड़े लोग उस शैतान बच्चे को कैसे भी अपने पास लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन सभी बच्चे आकर उन्हें पत्थर लेकर मारने लगते हैं जिसमें कुछ लोगों की तो मौत ही हो जाती है। फिर हम मिसेस ईव्स को देखते हैं जो झाड़ियों में जाकर कुछ देर लेट जाती है और फिर हेलन के फ्लैशबैक्स देखती है। तभी वो हेलुसिनेट करना शुरू करती है जिसमें उसके आसपास उन सभी औरतों की डेड बॉडीज पड़ी थी जिसके पास पहले वो बच्चा था। उनमें से एक बॉडी हेलन की भी थी जो अचानक उठकर मिसेस ईव्स से कहती है कि जैक अभी भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि वो पोजेस्ड बच्चों ने अब सबको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था और सैली बारबरा को नदी में डुबाने लगती है। अरे साली, सैली, नताशा ने तुझे सिगरेट दी थी, कम से कम उसका तो एहसान रखती। बट एनीवेज, फिर नताशा और बॉबी वहां आते हैं और बॉबी उस शैतान बच्चे का ध्यान हटाने की कोशिश करती है ताकि उसकी पावर्स वीक हो जाए, जिस दौरान नताशा बारबरा को लेक से बाहर निकालती है। फिर बारबरा, नताशा और बॉबी भागते हुए फटाक से घर के अंदर जाके अपना दरवाजा लॉक कर लेते हैं। कुछ ही देर में बॉबी को पैट्रिशा का कॉल आता है एंड वो बताती है कि सैम और वो बेबी अडॉप्ट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं। ये सुनकर बॉबी बहुत उदास हो जाती है और कहीं ना कहीं नताशा को इसका जिम्मेदार मानकर उसे सुनाती है। बॉबी नताशा से पूछती है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं बच्चा अडॉप्ट करूँ, तो नताशा साफ इनकार कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि बॉबी बच्चा अडॉप्ट करे। नताशा कहती है कि इससे अच्छा तुम एक जानवर पाल लो क्योंकि जितना तुम उसे दोगी उतना ही वो तुम्हें देगा प्यार। ये सुनकर बॉबी नीचे बैठकर रोना शुरू करती है।
बारबरा ये देखकर उन दोनों को शांत करते हुए पुरानी बातों को लेकर बोलना शुरू करती है, जब ये छोटे थे तो कैसे उसे उनसे दूर जाना पड़ा। बारबरा उन्हें बताती है कि तुम्हारे पापा के बोलने पर मुझे जाना पड़ा, लेकिन नताशा गुस्से में कहती है कि वो आप ही थी जो पहले से जाना चाहती थी। फिर हमें नताशा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उसकी माँ उसे छोड़ के गई जब उसका बाप रो रहा था। बारबरा कहती है कि जब नताशा छोटी थी तो वो उसे उतना प्यार नहीं दे पा रही थी जितना उसे मिलना चाहिए था, शायद इसीलिए क्योंकि वो यंग थी, इसलिए उसने बॉबी को जन्म दिया ताकि वो उसे अच्छे से प्यार दे सके। आई मीन कोई सेंस है इस बात की? बट एनीवेज, इसके बाद बॉबी वहाँ से बाहर चले जाती है एंड कुछ देर बाद बाहर सब शांत हो जाता है तो नताशा उस बच्चे के पास जाती है जहाँ बाकी बच्चे बेहोश पड़े थे। वो अपनी माँ की तरफ से उस शैतान बच्चे से माफ़ी मांगती है और बच्चे को लेकर अपनी कार के पास जाती है और उसे बैक सीट पर बिठाती है। तभी उधर मिसेस ईव्स लड़खड़ाते हुए आती है तो नताशा पूछती है कि उसे क्या हुआ, तो मिसेस ईव्स कहती है कि उसे हार्ट अटैक आया था। फिर मिसेस ईव्स उसे बताती है कि उस शैतान बच्चे का बाप जैक अभी भी जिंदा है, जिसके बाद नताशा उसे अपनी कार में बिठाती है और मिसेस ईव्स उस बच्चे के पास में ही सो जाती है एंड फिर नताशा, वो शैतान बच्चा और मिसेस ईव्स वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारे दूसरे 3 एपिसोड्स भी यहीं खत्म हो जाते हैं। अब बस लास्ट के बाकी 2 एपिसोड्स बचे हैं जो बहुत ही जल्द आएंगे एंड अगर आपको इसकी एंडिंग जाननी है तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा ताकि जैसे ही मैं इसके लास्ट एपिसोड्स डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने लाइक नहीं किया तो ये बच्चा आधी रात को तुम्हारे घर में मिलेगा। आप सबको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड इस वीडियो को अपने बेबी लवर दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर शेयर नहीं किया तो ये बच्चा पता है ना। सो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे इसके लास्ट एपिसोड्स में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट एंड हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।